अस्सलामु अलैकुम साथियों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए चिकन पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूं। बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाता है, बहुत ही कम वक्त में बन जाती है और हम इसे घर के मसालों से ही बना सकते हैं। हमें कोई भी पैकेट वाला मसाला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही आसान रेसिपी है, आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में आधा कप कुकिंग ऑयल ले लिया है। अभी मैं इसमें कुछ गरम मसाले डालूंगी, एक सिनेमन का तज का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 8 से 10 लौंग, एक स्टार फूल, एक टीस्पून शाहजीरा, 5 से 6 हरी इलायची, एक टीस्पून ज़ीरा, कुछ कड़ी पत्ते, 2 तेज़ पत्ते और 8 से 10 लौंग और एक सूखी लाल मिर्च। हम इसे तेल में डाल देंगे और धीमी आँच पर हम इसे थोड़ा सौते करेंगे ताकि इसका फ्लेवर तेल में उतर जाए। यहाँ पर मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, आप तेज़ अपने हिसाब से ले सकते हैं। और 3 मीडियम साइज़ के कांदे जो है मैंने वो बारीक एकदम पतले पतले स्लाइस करके इसमें डाल दिए हैं। हमें इसे भुनना है, कांदों का कलर हमें चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ इसे हल्का गुलाबी करना है। और यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून अक्खा धनिया और सौंफ दोनों को मिक्स करके दरदरा कूट लिया है, ये भी हम इसमें तेल में ही भुनने में डाल देंगे। इसे अच्छे से भुनने के बाद मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून भर कर अदरक लहसुन की पेस्ट ली है, 1 टेबलस्पून भर कर हरी मिर्ची की पेस्ट ली है, 1 टेबलस्पून धनिया का पाउडर है और 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से भुनने के बाद अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने आधा किलो चिकन लिया है क्योंकि मैंने आधा किलो चावल लिया है, दोनों भी मैंने सेम मेजरमेंट से लिया है। और इसे हम ऐड करने के बाद इसे भुनेंगे और अब हम इसमें आधा कप दही शामिल कर देंगे। दही मैंने ना ही ज़्यादा खट्टी ली है और ना ही ज़्यादा फीकी है, ये मीडियम दही है, ताज़ी दही है ये। अभी इसे डाल के अच्छे से हम भुनेंगे। अब इसे भुनने के बाद हम कुछ गरम मसाले इसमें डाल देते हैं पीसे हुए, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। ये डालने के बाद भी हमें इसे भुनना है, आँच को फास्ट रखना है, हमें अच्छे से भुनना है इसे। अब इसे भुनने के बाद हम इसे कुछ देर के लिए, कम से कम 10 मिनट के लिए मैंने इसे लो से मीडियम आँच पर छोड़ दिया है ताकि ये चिकन थोड़ा गल जाए। ये देखिए माशाल्लाह चिकन 80% तक कम से कम गल चुकी है। इसके बाद मैं इसमें आलू ऐड करूँगी। मैंने आलू पतले लंबे काटे हैं, इसके लिए मैंने उसी के साथ में चिकन के साथ में आलू ऐड नहीं किए थे। अगर आप बड़े आलू पसंद करते हैं तो आप चिकन के साथ ही उसको ऐड कर दें तो वो दोनों साथ में अच्छी तरह से गल जाएंगे। आलू अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसमें आधा कप कम से कम पानी डालेंगे और आलू को हम 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर छोड़ देंगे। इसके बाद हम चावल और पानी डालकर पकने की तैयारी करेंगे। यहाँ पर मेरा एक वीडियो डिलीट हो गया था जहाँ पर मैंने चावल, पानी और नींबू डाला था। मैंने आधा किलो चावल लिए थे जो कप से 2.5 कप थे, तो इसलिए मैंने 4 कप पानी इसमें डाला था और वो भी मैंने गर्म पानी डाला था इसमें। और इसके साथ ही मैंने आधा नींबू इसमें निचोड़ दिया था और इसे अच्छे से हिलाने के बाद मैंने फास्ट आँच पर पानी सूखने तक इसको पकाया था। चावलों का पानी सूख चुका है, इसे मैं एक बार थोड़ा सा हिला लेती हूँ। आइए हम चावल इसका चेक कर लेते हैं। चावल के अंदर थोड़ी सी कनी बाकी रह गई है जो दम पर पूरी हो जाएगी। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून भर कर देसी घी डाल देंगे, इससे इसका फ्लेवर इन्हेंस होकर आता है। और हम इसे धीमी आंच पर 5 मिनट तक दम पर छोड़ देंगे। ये देखिए माशाल्लाह पुलाव हमारा दम पर होकर बिल्कुल तैयार हो गया है, इसका एक एक दाना खिला खिला है। अभी हम इस पर थोड़ी सी कोथमीर डाल देंगे और कोथमीर डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, अभी हमें इसे हिलाना नहीं है। अभी हम इसे सर्व करते हैं। ये देखिए इसका एक एक दाना, पुलाव का एक एक दाना खिला हुआ है और माशाल्लाह चिकन भी अच्छी तरीके से टेंडर हो गया है। यकीन जानिए जितना ये दिखने में अच्छा लग रहा है, इसका स्वाद भी बहुत ही लाजवाब है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।